हर चीज में एक दूसरे के साथ होते हैं। मतलब क्या कि शादी ब्याह में साथ जाएं, किसी को गिफ्ट देने के लिए साथ बिल्कुल जाएं? गिफ्ट देने की बात ही नहीं है यहाँ तो, आप गिफ्ट अलग अलग देंगे। सामाजिक जीवन तो यही कहता है शायद, हम सामाजिक जीवन से ऊपर हाँ। निकल जाएं क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरक का क्या मतलब है। पूरक का मतलब है शादी में आप, वही बात है, आप इकट्ठा जा रहे हैं तो आप पति पत्नी के तौर पर एक साथ जा रहे हैं, आप किसी पूजा में बैठ रहे हो तो एक साथ बैठ रहे हैं, वही करना कि आप सिर्फ इंडिविजुअली जी रहे हैं, स्वार्थी जीवन। जी देखिए, सबसे पहले कि ये स्वार्थी जीवन का ये तो अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना कि स्वार्थी जीवन क्या है। अगर ठीक है कि कॉन्सेप्ट तो सभी अजीब होते हैं रोहित, अगर हम लिव इन को माने तो अजीब सा कॉन्सेप्ट है। पहली बात कि आप एक दूसरे की सेक्सुअल, सिर्फ आप सेक्सुअल को क्यों डिजायर को, चलिए स्वार्थी जीवन की बात कर रहे हैं ना कि जो वाइफ, आप पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं पूरा, तो आप वो भी और क्या पार्ट करना चाहते हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि मतलब मैं दूसरे के पैसे का मतलब कुछ मिस यूज भी तो नहीं कर रहा हूँ जी, किसी का मिसयूज भी तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि शादी में मिसयूज हो रहा है पैसे का, ये नहीं होता। शादी में तो बहुत सारी चीजों का मिसयूज हो रहा है। अगर आप देखिए शादी का जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें तो बहुत, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, रोहित फिर अंडरस्टैंडिंग कहां रही है? रोहित अंडरस्टैंडिंग कहां रही है? अगर आप दूसरे का पैसा अपना पैसा मानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है ना कि हम उनको उसकी पर्सनल फ्रीडम दे रहे हैं, उसके बाद भी हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आजकल की शादी में रिश्ता तो नहीं रहा ना। पर्सनल फ्रीडम है आजकल की शादी में, उतनी ही पर्सनल फ्रीडम है इफ यू, जहां मैं मजबूर हूँ वो करने के लिए कि जो कि मेरे स्पाउस के रिश्तेदार चाहते हैं करने के लिए। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। आजकल के जो लड़का लड़की है वो बहुत पढ़े लिखे हैं और वो इस तरीके की बातों में नहीं पढ़ते हैं कि भाई आपने सोशल प्रेशर इतना ज्यादा, सामाजिक प्रेशर डाल दिया कि आप जो लड़की ने वही करना है वो नहीं। आजकल के जो लड़का लड़की हैं वो आपस में सोच समझ के, अगर कहीं जैसे आपने गिफ्ट की बात की, अगर कहीं गिफ्ट देना है तो ये सोच के देंगे कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तभी देंगे, उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि भाई आपने ये सोच लिया कि भाई गिफ्ट देना है तो उसके लिए अलग जाएंगे या शादी के लिए अलग से जाएंगे, ये बात नहीं होता। इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, ये नहीं कहता शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत गलत है या कोई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉ इस वक्त मैरिज लॉ में इतना बायस है वुमन की तरफ, तो इसलिए उससे बचने के लिए तो बेहतर है कि लिव इन रिलेशनशिप रह लो, और उसमें वो सब आप कर रहे हो जो कि आप शादीशुदा होने कर सकते हैं, मगर आपके ऊपर वो कानून नहीं लगेगा जो कि आपको अपराध बन सकता है आपके लिए जो मैरिज के टाइम में होता होगा। कि शादी का इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज्यादा मेल डोमिनेटेड है, पेट्रियार्कल है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, 3-4 साल बाद, जैसे 3-4 साल बाद जो हम सर्टन पीरियड की बात कर रहे हैं, 3-4 साल बाद तो ये शादी ही कहलाएगी, तो क्या ऐसे में जो रिश्तेदार हैं और वो फिर बीच में नहीं आएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि पहले रिलेशनशिप में थे तो अब बस? और यही मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ कि रिश्तेदारों को इस चीज की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए शुरू से ही जी, उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जैसे वो शादी को ट्रीट करते हैं उसी तरह लिव इन को भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली उस आदमी ने, जिस आदमी जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उस आदमी ने अपनी बेहतरी के लिए एक डिसीजन सोच समझ के लिया है जी, इसलिए शुरू से लिव इन करते हैं। तो अगर नहीं समझ सकते हैं तो चाहेंगे, अगर कोई लड़की है जो कि एक बार लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी है और उसके साथ उसकी नहीं बनी, क्या उस लड़की के साथ आप इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में आएंगे? कौन, ये पर्सनल मेरे से सवाल है कि? ये आपसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे वो पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मेरे साथ, किस मेरे तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है इस तरीके से, क्योंकि ये आज की जनरेशन की बात है, हो सकता है कि भी हमारी सोच पुरानी हो, लेकिन जो हमारी सोच जो है वो इतनी पुरानी नहीं है कि हम इस नई सोच को नहीं समझ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेल ईगो जो है वो आती है कि भाई ये लड़की पहले जो है किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और अब उसके साथ अगर इसका दोबारा से संबंध होता है, क्या ये वापस उसमें जाएगी? आप बताइए। नहीं, अगर ये मेरे से पर्सनल सवाल है, इस तरीके से नहीं नहीं, हम आज के जनरेशन, और मैं, अच्छा क्या आपको लगता है कि ज्यादातर युवा इस बात को मान लेंगे? देखिए, अभी मैं इस बात का कोई डिबेट नहीं कर सकता कि ज्यादातर युवा इस चीज को मान लेंगे कि नहीं, क्योंकि अभी भी, लेकिन मतलब आप कहना नहीं चाहते कि नहीं मान लेंगे, क्योंकि ज्यादातर युवा नहीं मानेंगे, अभी हमको टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि शायद ना माने। तो रोहित, क्या जबरदस्ती है उस जगह पर जाने की जहां पर अभी कोई किसी की सोच ही नहीं मानती? बिल्कुल नहीं है, और साथ ही साथ इस बात की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि मुझे शादी ही करनी है जी। एग्जैक्टली, ठीक है जी, इस बात को कानूनी रूप मिल ही गया, वो तो नहीं, वो तो लिव इन को कानूनी सुरक्षा भी मिल गया है, और ये इसीलिए तो इस चीज को मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कानूनी सुरक्षा है लिव इन रिलेशनशिप को तो बहुत सही चीज है, वो जरूरी है, वो अच्छा है।
वो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कानूनी सुरक्षा तो दोनों को है। जी जी जी, विवाहित जीवन को भी कानूनी सुरक्षा है कि अगर आपके विवाहित जीवन सुखी नहीं है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझ सोच का है कि यहाँ पर आप कितने सोच विचार के बाद ऐसी रिलेशनशिप में जाएंगे और उसका जो है जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से आप उसको फेस करेंगे। पहली बात ये कि अगर बच्चा होता है, संतान उत्पत्ति होती है, तो संतान उत्पत्ति का उसका जो है जिम्मेदारी कौन है? अगर वो एक साल से पहले हो जाता है, 9 महीने के अंदर अगर आप आपके यहाँ एक, एक एक संतान जन्म लेती है और आप सोच लेते हैं कि अब तो साल भर हो गया और हम लोगों की नहीं बन रही है, वी हैव टू सेपरेट, हमें अलग होना है, तो उस टाइम उस बच्चे की क्या किस्मत है? पोजो उनका कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो शादीशुदा नहीं है दोनों, उस बच्चे को एंसेस्टर प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। एट बेस्ट वो बच्चा जो है जो उनकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी उसके हस्बैंड और वाइफ या आपस में, उसमें उसका हक मिल सकता है। लिव इन रिलेशनशिप इसीलिए किया जाता है कि जिम्मेदारी से मुक्त रहे। तो ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी अगर आ जाती है, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? या तो गर्भपात होगा, नहीं नहीं, या फिर अगर कोई उठाएगा क्यों उठाएगा? लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस चीज को बैक करने के लिए कानून की जरूरत है जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा जी, कि उस चीज को बैक करने के लिए इलेजिटिमाइट चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो कि बच्चा फिर किसका है, कौन उसकी डिबेट की चीज असल में यही है। इसके लिए सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यही है कि जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मैम आप क्या मानती हैं, कोई जिम्मेदारी उठाएगा बच्चे की? दोनों देखिए, जो लिव इन रिलेशनशिप में आए दोनों पार्टनर जो है जिम्मेदारी से भागने वाले हैं जी, वो उनका जिम्मेदारी में विश्वास नहीं है। इसीलिए वो इकट्ठे हुए तो, और लेकिन जब संतान उत्पत्ति होती है उस टाइम जो है आप क्या सोचते हैं, जो माँ है वो ज्यादा भावुक है जी, पुरुष फिर भी कहेगा पल्ला झाड़ के कि हाँ भी चलिए हमें इसका ये व्यवहार पसंद नहीं है, हम इसके साथ नहीं रह सकते, या हमें बच्चा नहीं चाहिए, हमने इसकी वो नहीं करनी है, परवरिश नहीं करनी है, तो वो बड़े आराम से जो है अलग हो जाएगा, 36 बहाने बना के लड़की को अलग कर देगा। तो जब आप लिव इन रिलेशनशिप में जाएं, हम ये इस वर्तमान पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो आप इन चीजों को सोच ले पहले जी, कि अगर ये फ्यूचर है, जब आप विवाह के बंधन में बढ़ते हैं तब आप सोचते हैं आपका फ्यूचर क्या है, आपका परिवार क्या है, किस तरीके से आप चलेंगे। उसी तरीके से अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप ये सोचिए कि इसका फ्यूचर क्या। कई ऐसे सवाल हैं जो आगे भी कायम रहेंगे और शायद इनका हल निकलते निकलते बहुत समय अभी लग जाएगा। जी हाँ, आप दोनों गेस्ट हमारे बीच में हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधर गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए हमने बात की लिव इन रिलेशनशिप पर, और जो बातें निकल कर सामने आई वो यही कहती हैं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से बचने वाली बात है, या कहीं ना कहीं आधुनिक समाज का एक नया चेहरा सामने आ रहा है। आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइए, हम जानना चाहेंगे। आप अगर कायदा कानून कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई मुद्दा या सवाल रखना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप हमें सीधा संपर्क कीजिए। हमारा पता है kanoon@p7news.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए QQ, फिर अपना सवाल, अपनी राय या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं इसे लिखें और भेज दें 5600680 पर। तो आज के लिए बस इतना ही, एक सहज सरल और जागरूक जिंदगी के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कायदा कानून। फिलहाल मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।